हाय किड्स, हाय सर। आज देखो हमें एक चार्ट है ये, ठीक है। ये जैसे हमारे स्कूल के बाहर एक अटेंडेंस का चार्ट है ब्लैक वाला, जिसमें हम अटेंडेंस लिखते हैं बच्चों की, वैसे ही किसी स्कूल का एक चार्ट है ये, ठीक है। अब देखो वहाँ बोल रहे हैं कि क्लास वन में 8 फरवरी 2007 को, देखो 8 टू 2007 लिखा है, मतलब 8 फरवरी 2007 को क्लास एक में कितने बच्चे आए थे? 27। उसमें से 27 तो उसमें टोटल बच्चे हैं क्लास वन में, और कितने बच्चे आए हैं? 25। और कितने एबसेंट हैं? 2। ठीक है, ऐसे ही सारे बच्चे हैं। अब अगर हम इस सबको टोटल कर लें तो इसमें टोटल एबसेंट बच्चे पता चल जाएंगे हमें। टोटल करो इसको, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसको भी टोटल कर लें। करो टोटल, 3, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154
आठ सोलह तीन उन्नीस का नौ, एक कैरी हो गया, दो और एक दो और एक तीन दो चार छह सात आठ नौ दस। तो 109 बच्चे आए हैं और 12 बच्चे अब्सेंट है, तो टोटल कितने बच्चे होंगे इस स्कूल में पता चल सकता है? टोटल करो इन दोनों को, 12 और 9 को जोड़ो 121। टोटल इस स्कूल में कितने बच्चे हैं? क्लियर है? अब देखो जी, This board shows the number of students in each class. It also shows the number of students present and absent. How many children in all are there in the school? तो स्कूल में टोटल कितने बच्चे आए हैं आज? एक सौ नौ भर लोगे। How many children in all are absent on that day? Absent कितने हैं? बारह। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, absent student का चार्ट ये है। क्लास एक में दो बच्चे absent हैं, क्लास दो में एक बच्चा absent है, क्लास तीन में तीन बच्चे absent हैं, यहाँ चार, और क्लास पाँच में दो। अब क्लास पाँच में यहाँ पर कितने चेहरे बना दूँ मैं? दो बना दूँ ऐसे? ठीक हो गया, बन गए। दिस इज ए चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोन बाय, ये एक चेहरे से उन्होंने क्या कर दिया है, उसको दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इज, अब वो बोल रहे हैं उस क्लास का नाम लिखना है आपको जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा किसमें एब्सेंट है, कौन सी क्लास में एब्सेंट है? चार में, चार में कितने बच्चे अब्सेंट हैं? यहाँ पर फोर तो आ जाएगा। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ अब्सेंट स्टूडेंट, सबसे कम किस में अब्सेंट हैं? दो। तो यहाँ पर सेकंड वर्ड दोगे। द क्लास विद थ्री स्टूडेंट अब्सेंट, तीन स्टूडेंट किस क्लास में अब्सेंट हैं? थर्ड। तो थर्ड वर्ड दोगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ आर, अब देखो क्लास चार में कितने अब्सेंट हैं? चार। और पांच में? दो। टोटल कितने हो गए? ठीक है, तो चार और पांच मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है? छह। समझ आ गई yes, या नहीं आई? yes, ओके yes,